हेलो हेलो राकेश। श्वेता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऑफिस आवर्स के बाद मुझे कॉल मत किया करो। रीना को शक हो गया मुझ पर, अभी अभी लड़ाई हुई है मेरी। लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैं कल ऑफिस आकर सॉल्व कर दूंगा, ओके? डोंट कॉल मी, अंडरस्टूड? डोंट कॉल मी अगेन। ब्लॉक कर देता हूं। अभी फोन नहीं करेगी साली। अभी किसी अननोन कॉल, अननोन नंबर से कॉल कर रही है, तो माने ही नहीं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नंबर बदल बदल के मुझे फोन क्यों कर रही हो? क्यों फोन कर करके मुझे इरिटेट कर रही हो? हेलो, ये इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रही है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे फोन कर करके परेशान कर रही है? फोन करके पूछता हूं, उन्हें रात भर मुझे परेशान करेगी। फोन क्यों नहीं लग रहा है? मिस्टर राकेश, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे फोन कर रही हो? इतनी रात को मुझे परेशान क्यों कर रही हो? परेशान? परेशान तो पिछले 10 सालों से मैं हो रही हूं। 10 साल से? हमें तो मिले सिर्फ 1 साल हुआ है। नहीं नहीं मिस्टर राकेश, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कौन कौन बोल रही हो? तुम हो कौन? Who are you? भूल गए, मुझे मालूम था। देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे कल सुबह फोन कर लेना, अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस आ जाना, ओके? कौन हो सकता है? रेनू? नहीं, रेनू को तो 5-6 साल हो गए मिले हुए। पूजा? पूजा
पूजा के फोन तो 5-6 महीने से आ रहे हैं। स्मिता, कि स्मिता तो मजाक नहीं करी मेरे साथ। स्मिता तो छोड़ूंगा नहीं। मंगेश को फोन करता हूं। हेलो मंगेश, मंगेश राकेश बोल रहा हूँ। अरे कौन राकेश चुतिया? कौन राकेश? अबे तेरे बचपन का पुराना दोस्त राकेश। इतनी रात को मुझे राकेश विकेश को नहीं जानता। कौन रा यार, तेरा पुराना दोस्त बोल रहा हूँ, भूल गया क्या? मेरा पुराना दोस्त? अरे अपना पुराना दोस्त सिर्फ एक ही है, और अपना राकेश, राकेश डार्लिंग। कितनी पिए तूने? होश में आ मंगिया, तेरा दोस्त राकेश बोल रहा हूँ। 4 दिन पहले तो बात की थी तुझसे। अर्जुन राकेश बोल रहे हैं? सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है यार। 10 साल पहले हम लोग कॉलेज में थे ना, तब यार कॉलेज में मैं किस किस के पीछे था यार। सर तो अभी सुधराने के राकेश लेकिन उनके दिल थे यार कॉलेज का। अरे यार, मैं कौन सी लड़की के साथ मेरा अफेयर था यार? मैं किस लड़की के पीछे पड़ा था? पूजा, कविता, अब कितनी लड़कियों का नाम लो यार, कितनी लड़कियां गिनूं यार। समझने की कोशिश कर यार, अभी भी फोन पर मुझे एक लड़की ने धमकी दी है। उसने कहा कि मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा यार। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि हम किसे छुप छुप कर देखा करते थे। 10 साल पहले का? हाँ, वो हम लोग गोवा में गए थे ना, तो उस लड़की को देख रहे थे ना हम दूरबीन से। उतना याद है, बाकी नहीं यार वो याद। शीला, शीला माने भी शीला, शीला की जवानी। इधर को याद है वो गोवा के अपने होटल के रूम से उसको हम दोनों चुप चुप के देखते थे। शीला,
गया। सुन, हो गया आखिरी खत्म। अच्छा सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को कुछ याद आया? मेरे को सब कुछ याद आया। तुमने उसकी कोल्ड ड्रिंक में एमएससी की दवा मिले थे, उसके बाद में उसको रूम में लेके जाके रात भर डिंग डॉंग डिंग डॉंग। अरे मुझे सब याद है। तेरे पास उसका नंबर है क्या? अरे भाई राकेश बाबू, तुम्हारे तो चांदी है। चले 10 साल के बाद भी तेरे को याद करती है। मेरे को एक बात बता दो, कितनी पी है तुमने? कितनी पी है? 2-3 पे, और उसके बाद 3-4 पे और पी ली। क्यों पूछ रहा तू? तेरे को उसने फोन किया है? उसने तेरे साथ बात की, और तू उसका नंबर मेरे को मांग रहा है? तेरे को चाहिए चूतिए, दूध की दूध। अरे हाँ, उसने मुझे फोन किया था, मैं उसे फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है यार, नहीं लग रहा उसका फोन। अच्छा एक बात बता, उसने तेरे को उसका नाम शीला बताया? अरे उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुझसे क्यों पूछता? अगर उसने मुझे बताया होता तो। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, नहीं बताया। अबे चूतिए, तूने कैसे सोचा वो शीला है? अरे यार, उसने मुझे कहा कि 10 साल पहले मैं उसे छुप छुप कर देखा करता था। अरे यार ये क्या मुसीबत है? अरे आप क्या करेंगे? अरे नहीं, वो बीवी तू एक काम कर राकेश, तू ना पुलिस को फोन कर, तू बिंदास पुलिस को फोन कर, 100। तू पागल हो गया क्या? अरे तुझे याद है उस दिन सुबह हम कैसे उसे सकल ऐसे छोड़कर भाग गए थे? यार अभी मेरी फैमिली है, अच्छी जॉब है, सोसाइटी में अच्छा नाम है, सब बर्बाद हो जाएगा। रेनू, रेनू को तो तू जानते ही है ना? अरे बाप डेंजर, बाप ही डेंजर। अगर उसे पता चला ना तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। आज ही झगड़ा हुआ है उसे, और पुलिस को इन्फॉर्म किया ना तुम, मैं ही रेप केस में अंदर चला जाऊंगा। ए देख, तेरा सच है, तो मेरी बात देख कैसा है। ओ राकेश, उस वक्त की बात अलग थी, इस वक्त की बात अलग है। अरे बाबा सुन मेरी बात, मैं तेरे को उस टाइम भी बोल रहा था कि लड़की को ऐसा अकेला छोड़ के भागना अच्छी बात नहीं है, पर तू सुना नहीं उस टाइम। अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख अगर मैं भी शादीशुदा हूँ, मुझे 2 बीवी 1 बच्चा, एक बीवी 2 बच्चे, मेरे को झमेले मत फंसा, समझा? तेरे क्या करने का है दुख? ओके टेक केयर, गुड नाइट, लव यू। नहीं मंगेश, चूतिया राकेश, मुंगे ने अपना फोन बंद कर रखा है।
शीला को फोन करता हूँ। अरे राकेश, तुम्हें पता है ना मैं पीती नहीं हूँ। जानता हूँ, तभी तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। ये तो पी ही सकती हो तुम, आज मेरा बर्थडे है। ओके, ये पी सकती हूँ। राकेश, अरे क्या कर रहा है तू? अबे चूतिया, ये बेहोश हो गई। बेहोश हो नहीं गई, मैंने किया है, कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर। अरे राकेश, अरे क्या कर रहा है यार तू? अबे छुटिया हो ये। अबे दोनों भाई मिलकर रात भर टिंग डोंग करेंगे। ते भाई, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। सुन, मैं पागल। डरपोक साला। मिस्टर राकेश, अब तुम वो क्यों मुझे माफ करेगी? गलती मैंने की, मैंने उसकी लाइफ बर्बाद की, सजा मुझे मिलनी चाहिए। आई वॉज रॉन्ग।
हेलो हेलो राकेश मंगिया बोल रहा हूँ। हाँ बोल। सुन, मुझे शीला का नंबर मिला था। मैंने फोन नहीं किया, उसकी माँ ने उठाया था फोन, तो पता चला कि 10 साल पहले वो पागलखाने में भर्ती थी। 10 साल पहले गोवा के किसी होटल में उसके साथ रेप किया था एक वेटर और गोवा के उस होटल के किसी स्टाफ ने, और कुछ जंगल में फेंक दिया था। मैंने तेरे को बोला था उस वक्त, उसको अकेला ऐसा मत छोड़, उसका फायदा शायद उस वेटर और स्टाफ ने उठाया। कल शाम को ही उसको डिस्चार्ज मिला था, वो होश में आई थी, और जैसे होश में आई उसने आत्महत्या कर ली। उसने तुझे फोन कैसे किया राकेश? तू सुन रहा है ना राकेश, अगर उसने आत्महत्या की थी तो उसने फोन कैसे किया?